हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ दो क्यूट एंड ब्यूटीफुल से ब्राइडल बन शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप ये दोनों बन बना लोगे और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अगर आपको कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिंपल फ्रंट से सिंपल लुक रखना है एंड बैक से कोई अच्छा सा बन चाहिए, तो आप ये दोनों बन ट्राई कर सकते हो। हो सकता है कि इस हेयर स्टाइल की वीडियो की आप लोगों को नीड ना हो, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली फ्रेंड और जान पहचान में किसी के पास भी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और हेयर स्टाइल ट्राई जरूर कीजिएगा, दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इंस्टा आई डी Preeti Tiwari24 है, Preeti Tiwari24। कई लोग प्रीति सर्च करते हैं फिर मुझे कमेंट करते हैं कि मैम नहीं आता है इंस्टा आई डी, प्रीति नहीं है सिर्फ प्रीत है, PREET प्रीत, ओके Preeti Tiwari24। एंड दूसरा जो चैनल है उसका भी नाम आप लोग को जल्दी से मिल जाए उसके लिए मैंने चेंज करके Preeti Tiwari2 रख दिया है, जिससे इस चैनल का नेम है, बस आगे में 2 लगा दिया है, जिससे कि आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा जल्दी से। तो उस चैनल पे भी जाकर विजिट कर लीजिएगा अगर सिलाई कोर्स से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है एंड आप सिलाई कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो उस चैनल पे भी जाएगा। तो आज का दो ब्यूटीफुल से क्यूट एंड ईजी ब्राइडल बन हेयर स्टाइल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से बालों को एक पोनी बना लेंगे। अच्छे से पोनी बनाने के बाद से इस पे हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिंपल लुक पसंद है, फ्रंट से सिल्क लुक चाहिए और बैक से कुछ अच्छा सा बन चाहिए, तो आप ये वाला बन ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पोनी बना ली है। पोनी बनाने के बाद क्या करना है, एक डोनेट बन लेना है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा। डोनेट बन लगाने के बाद से एक यू पिन से डोनेट बन को अच्छे से सेट कर देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है, सिंपली उसको ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट करके इसको इस तरीके से राउंड राउंड लपेटेंगे और डोनेट बन के ऊपर में ले जाके एकदम और वहाँ पर यू पिन से इसको सेट कर देंगे। यूपिन को अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है और पूरे डोनेट बन को कवर करना है। बहुत ही खूबसूरत सा रोज बन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। रोज बन बनाने का दो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आप रोज बन बना सकते हो, और जो कि शादी में पार्टी में बहुत अच्छा लगेगा आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई करते हो। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेते हैं और इसको लेते जाएंगे और आपस में इसको राउंड राउंड इस तरीके से लपेटते जाएंगे और इसको डोनेट बन के ऊपर लगा के दो दो यू पिन से सेट कीजिएगा अगर आप बैगिनर्स हो तो, क्योंकि हो सकता है कि खुल जाए, कई बार तो मुझसे भी खुल जाता है, मैं बनाते रहती हूँ। तो दो यू पिन लगा दोगे तो आपका ये जो आप रोल बना के अटैच कर रहे हो डोनेट बन के साथ वो नहीं खुलेगा। तो मैं सेंटर में ही एक लगा के इस तरीके से छोड़ दे रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरा बनाते हुए पूरा आपको डोनेट बन को अच्छे से कवर करना है, बहुत ही प्यारा लुक आएगा एंड में, देखना बहुत अच्छा अच्छा सा लुक आ जाएगा आपका यहाँ पर बन का। तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की खूब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सी हेयर स्टाइल की वीडियोस मिलते रहेंगी, तो प्लीज़ देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे एंड खूबसूरत सा अपना इस तरीके से नीचे की तरफ से लगा के इसको भी दो यू पिन से सेट कर देंगे। देखिए इस तरीके से करने से खुल गया, इसलिए दोबारा से ट्विस्ट करके और इसको ऊपर वाले हेयर को क्लचर से सेट कर दिया, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे हमको हेयर स्टाइल बनाने में। अब दो यू पिंस लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक इस साइड में लगा दो। इसी तरीके से आपको पूरी जगह पे दो दो यू पिंस लगाने हैं, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो। अब आपको क्या करना है, फिर से थोड़े थोड़े से लेयर लेने हैं बालों के और इस तरीके से राउंड राउंड इसको लपेटना है आपस में और यहाँ पर लगाते जाएंगे, जिससे कि पूरा डोनेट बन कवर हो जाए और आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत सुंदर लगे। तो इसी तरीके से पूरे डोनेट बन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरा बना रही हूँ, देखिए यहाँ पे निकल रहा था, तो एक यू पिन और लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि खुल जाएगा हेयर स्टाइल, वहाँ पे आप दो तीन यू पिन लेके अच्छे से लगा दीजिए। अब इसी तरीके से बनाते हुए पूरे डोनेट बन को कवर करेंगे। और गाइज, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ईजी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए और शेयर भी कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। प्रीति तिवारी चैनल का नेम है Preeti Tiwari2 सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी, उस पर आप जाके उसको सर्च उसको भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, आपको अगर सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगी तो वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, और सिलाई सीखना है तो भी उस चैनल पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए उस चैनल को भी।
तो इसी तरीके से पूरे डोनेट वन को मैंने यहाँ पे यूपिन्स निकाल रही मैं, बट निकल नहीं रहा था तो मैंने अपने स्टूडेंट से निकलवा लिया फिर। और यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देंगे, और जब अच्छे से पूरा आपका डोनेट वन हाइड हो जाए तो जो सेंटर में हेयर है उनका क्या करना है वो भी बता रही हूँ मैं। देखिए कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है हमारा हेयर स्टाइल। इसको आप फ्लावर वाले यूपिन्स के साथ सजा लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जो सेंटर का हेयर बचा है उसका थोड़ा सा लेयर लेके पहले नीचे में एक और लगा देंगे, उसके बाद आपको बीच के लेयर्स का क्या करना है वो बताती हूँ मैं। इस तरीके से लपेटा है, देन नीचे में ही दो यूपिन से इसको सेट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे मेरा हाथ आ गया जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा हेयर स्टाइल, बट बना लोगे आप इजीली। अब आपको करना क्या करना है, ऊपर वाले हेयर को ऊपर की तरफ क्लचर से सिक्योर कर दें, इसको ट्विस्ट किया और एक और रोल बना के इस साइड में लगा देंगे हम लोग, जिससे कि डोनेट बन हमारा अच्छे से कवर हो जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से लगा दिया है। अब आपको सेंटर के हेयर को थोड़ा थोड़ा सा लेयर और लेना है और इसको अच्छे से अगेन रोल बनाएंगे और नीचे में अच्छे से सेट कर देंगे। इसी तरीके से पूरे बन को आपको बनाना है। बहुत आसान है, आप आराम से बना लोगे, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है इसको। दो दो यूपिन से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब जो सेंटर का हेयर है इसको सारे हेयर्स को एक साथ लेके ट्विस्ट कर देंगे, और ट्विस्ट करने के बाद से आपको इसको सिंपली रोल करना है। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बट ये डोनेट डमी का हेयर है इसलिए बहुत मोटा है, लेकिन आप खुद के हेयर पे बनाओगे तो बहुत ईजिली और बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके तो आप देखिए पूरा हेयर स्टाइल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है लगभग। यहाँ से निकल रहा था तो इसको दोबारा से सेट कर देती हूँ। इसके बाद मैंने इस तरीके से फ्लावर वाले यूपिन्स इसमें लगाए हैं, जिससे कि बन का लुक काफ़ी अच्छा आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पे है बन का फाइनल लुक, तो आप देख सकते हो कि वीडियो आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया हो। और ये है पूरा फाइनल लुक, देखिए कितने अच्छे से कितना स्टाइलिश सा बन यहाँ पे बन के रेडी हो गया, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो इसी तरीके की इजी और ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगी। तो आपको सेकंड हेयर स्टाइल में इसी तरीके से डोनेट बन को पहले यूपिन से कवर कर देना है एक पोनी टेल बना के, फिर आपको आपके जितने भी पोनी के हेयर हैं उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, देन सिंपल चोटी बना लेनी है। चोटी को इस तरीके से गूंथते जाएंगे, और गूंथने के बाद जैसे हमने फ्रंट वाले हेयर स्टाइल को बनाया था, बट ये वाला और इजी है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप आसान तरीके से इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से रोज बन जो गुलाब जुड़ा होता है उसको दो आसान तरीकों से बना सकते हो, वो भी पार्टी वियर और वेडिंग लुक के लिए। दो बहुत ही आसान तरीकों से रोज जुड़ा हेयर स्टाइल गुलाब जुड़ा हेयर स्टाइल है, जो कि पार्टी में शादी में दुल्हन पे भी आप बना सकते हो, और ऐसे आप लहंगा गाउन साड़ी वगैरह पहन रहे हो, आपको पल्लू नहीं लेना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर पल्लू ले भी रहे हो जॉर्जेट की है या फिर नेट की है तो आपका बन उसके अंदर से दिखता है, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से पाँच चोटियाँ बनानी है, और इनको इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से करके पूरे डोनेट बन को अच्छे से कवर करना है यूपिन से। और ये जबकि थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसमें 2-3 यूपिन्स अच्छे से लगा लीजिएगा, 3-4, जिससे कि आपको आसानी से हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बन जाए और आपको दिक्कत ना हो। अब बीच के हेयर को थोड़ा सा लेके ऊपर की तरफ सेट कर दिया है एंड, तो ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। एंड नीचे का जो हेयर बचा था उसको सिंपल चोटी बना लेंगे और नीचे की तरफ से इस तरीके से कवर कर देंगे 3-4 यूपिन से। तो ये देखिए पूरा हेयर बन अच्छे से हमारा चारों तरफ से डोनेट बन हमारा कवर हो चुका है। अब जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि अनमैनेज है या फिर हमको और यूपिन्स लगाना चाहिए, वहाँ पे आप लगा के बन को अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। और जो सेंटर का हेयर है उसको सिंपली चोटी बना लीजिए, चोटी बना के इसको बीच में ही इस तरीके से राउंड राउंड लपेट के बीच में ही यूपिन से सेट कर देंगे, और इसमें फ्लावर बंस ऐड कर देंगे, फ्लावर वाले यूपिन्स ऐड कर देंगे, जिससे कि बन को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक मिले और दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है ये हेयर स्टाइल, और बहुत आसान है।
तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैं यू पिन्स यहाँ पे लगा दे रही हूँ, इस जहाँ जहाँ मतलब हमने ये बनाया था, जहाँ जहाँ पे भी राउंड किया था, चार हमने इस साइड साइड में राउंड किए थे, चारों की तरफ चारों के सेंटर में एक ही जुड़ा जो वाला जुड़ा पिन है जो उसको ऐड कर दिया, और बीच में चार पांच जुड़ा पिन ले लिया। बड़ा वाला ये रोज मिल जाए तो बीच में लगा दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से चार पाँच छोटे वाले ही रोज बन के बीच में लगा सकते हो। और ये है बन का फाइनल लुक। आई होप की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टा पे जरूर जाइए, वहाँ पे आपको मेरी फनी रील्स वीडियो देखने को मिलेगी। बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।